आप में से नया प्रवक्ता तैयार करना है, हमारे अपने होने चाहिए। बाहर से जो लोग आएंगे वो बोलकर चले जाएंगे, हमारे अपने जो होंगे स्वामी जी जैसे, हमारे जैसे, आप जैसे, वो पूरे सेशन तक बैठे रहेंगे। जिसके पास जो जो चीजें हैं, किसी ने गौ माता में काम किया है, किसी ने कृषि में अच्छा काम किया है, किसी ने संस्कृति के बारे में अच्छा काम किया है, किसी ने पंचगव्य जैसे दीदी ने किया है, स्वामी जी भी है हमारे, शिव उड़ीसा से आ रहे हैं, हमारे हर शिविर में रहते हैं, जैसे जितेंद्र जी है कहाँ पर है नहीं दिख रहे, तो वो भी अच्छे काम कर रहे, तो सबको हम थोड़ा थोड़ा सा एक अच्छा अच्छा सा वक्त बनाकर देंगे ताकि नया वक्ता तैयार होते रहे। बार बार मुझे सुनोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए नया नया क्रॉप भी तो तैयार करना पड़ेगा ना, एक नया पाक तैयार करना पड़ेगा, नई फसलें हमें उगानी है। बस अब आता है वेदों में कृषि विद्या। अब कृषि का दुनिया का सबसे पुराना कोई साहित्य है तो वेद है। ये वेदों में कृषि विद्या के बारे में बताया गया है। अगर आपको कृषि के बारे में कोई ऑथेंटिक माहिती चाहिए भारतीय साहित्य में तो वो है वेद। और वेदों में हम लोग कहते हैं वेदों में मंत्र है, सूक्त है, भक्ति है, ऐसा नहीं है। आप पूरा वेदों को सही तरह से अभ्यास कर लो तो वो जीवन जीने की पूरी शैली है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारे गान है, क्या हमारी धनुर्विद्या है, क्या हमारी गौ विद्या है, क्या हमारी अश्व विद्या है, हय विज्ञान है, सभी चीजों वेदों में लिखी हुई। तो ये वेदों में सबसे मैं पहला श्लोक ले रहा हूँ, ऋग्वेद, ऋग्वेद का है, उसमें लिखा है अक्षम दिव्य करके, उसी उसका अर्थ है जुआ खेलो नहीं। क्या है? जुआ खेलो नहीं और खेती करो और सम्मान पूर्वक अर्थ प्राप्त करो। बहुत बड़ा श्लोक है, अथर्ववेद में लिखा है कि अगर तू उसमें जुआ खेलने की ताकत है तो कृषि इससे भी बड़ा जुआ है। समझ रहे हो? कृषि बड़ा जुआ है और जुआरी हर दाव हारने के बाद नया जुआ खेलता है। मेरा किसान भी वही करता है, एक फसल कट गई, पैसे नहीं मिला, वो कभी रोता नहीं, कभी थक कर बैठता नहीं है, वो दूसरी फसल की तैयारी कर देता है। एक दुकान, एक फैक्ट्री वाला धंधा में मुनाफा में नुकसान आ जाएगा तो वो उसको शटर लॉक करके बैठ जाता है, गांव में वापिस आता है, रोता है, घूमता फिरता रहता है। लेकिन कभी किसान ने कभी अपना पार्ट बंद किया, चलो इस नहीं तो अगली साल, अगली साल नहीं तो अगली साल, वो अपना जुआ खेलता ही रहता है। और जुए में तो आप पासे के बारे में कुछ पूर्वानुमान कर सकोगे कि ये आएंगे ये आएंगे, कृषि में आप कोई पूर्वानुमान नहीं कर पाओगे। कितनी भी अच्छी कृषि आपने पका ली, इसमें से किसान ज्यादा लोग हैं, मैं कहता हूं पैसे जब जेब में आए तब आए, सही बात है ना। आप खरियानों से कॉक को लेकर गंज बाजार तक चले जाएंगे, वहीं पर मंडी में आपने बेच दिया, पैसे आए और जेब में लेकर किसान जा रहा है और उसके जेब कट जाते हैं। किसान की घरवाली और उसके पास पैसे तभी पहुंचते हैं, वही उसकी असली फसल है। तो वेद वही कहता है कि खेती करना सम्मान पूर्वक का कार्य है, मान हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं वेदों का अभ्यास करके मैंने देखा है कि कृषक ऐसा करना चाहिए। मैं फार्मर हूँ, आई एम फार्मर, किसान हूं, गर्व की बात होनी चाहिए, इसलिए वे वो हमको वेदों ने सिखाया। और अन्न प्राप्ति हेतु कृषि कर्म अत्यंत आवश्यक है। अगर आदमी को जिंदा रहना है, अन्न का चाहिए, तो उसके लिए कृषि कर्म अत्यंत आवश्यक है। अथर्ववेद के तृतीय कांड और सप्तम सूक्त में कृषि विद्या का बहुत विस्तार से उसमें उल्लेख है। कभी कभी हम वेद उठा लें और उसके बारे में कभी कभी कुछ पढ़ते रहे तो हमें कृषि के बारे में और भी माहिती मिल जाएगी। एक दूसरा श्लोक है माता भूमि अथर्ववेद का है और उसमें एक श्लोक मैं और भी बता रहा हूँ ऋग्वेद का खास ले रहा है, कृषि कृषस्व, बहुत ही अच्छा श्लोक है। हाँ वो श्लोक हम ख्रिस्तियों के बारे में जानते हैं, उनमें 10 कमांड्स है। क्या है? अभी लोग कम जानते हैं, 10 कमांड्स, 10 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर है ना, ये हमारा ऑर्डर है, ओनली और वन,
तू खेती ही कर। वो भार पूर्वक दिया गया ऑर्डर है किसान को, पूरी पृथ्वी में ही उन्होंने यही लिखा, ये आज्ञा वेद दे रहा है। अब जब वेद जो जिस चीज की आज्ञा दे रहा है वो श्रेष्ठ कर्म ही होगा, तो वहां पर वो श्लोक का अर्थ होता है तू खेती ही कर, मतलब भार पूर्वक आपको दबाव करके ऑर्डर दिया गया है। और ये सब दूसरा श्लोक है, ये सब श्लोकों का अर्थ है इस प्रकार पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का वर्णन करता हुआ वेद कहता है कि हल चलाने खेती करने ही धान्य मिलता है और यही खेती का महत्व है। ये एक श्लोक है उसका हिंदी में बोल रहा हूं, हल जोतो बैलों की जोड़ियों को ठीक करो, भूमि तैयार करने पर बीज बो दो और गाते गाते हम भरपूर धान्य पाएंगे। जब धान्य तैयार हो जाएगा तब परिपक्व धान्य पास हमारे हाशिए पहुंचेंगे। देखो श्लोक क्या कहता है, कृषि को गाते बजाते करो। क्या कहता है? गाते बजाते। हमारे पूर्वज भी वही करते थे। हमारे गुजराती में घरोत्र आता है, जब बारिश की मौसम आती है तो हम बैलों को पहले के जमाने में बहुत अच्छी अच्छी उसको सींगे पर बनाते थे, तैयार करते थे, उसको नाला धुलाने के बाद तिलक करते थे, फिर बैलगाड़ी हल जोतते थे और पूरा परिवार, हमारे गुजरात में परंपरा है अखात्री दिवस अखात्रीज के दिन पूरा परिवार गाते बजाते हुए खेतों में जाता था। वहां उसका वरिष्ठ पुत्र जो है वो बैल को जोता था और जो उस परिवार की वरिष्ठ माता है वो बैलों को पूजन करती थी, भूमि माता का पूजन होता था। कुछ दो तीन ऐसे ऐसे खेत लगाने के बाद बैलों को मुक्त कर दिया जाता था उसी दिन, और सब लोग वहीं पर खाते थे, बैठते थे और आनंद करते थे गाते बजाते। वेदों ने कृषि में हर चीज में गाते बजाते की बात हुई है, और आज क्या है, हम मानते हैं थको छोड़ो यार, थक क्या है, गाते बजाने की बात ही नहीं है। जब तक कृषि को हम गाते बजाने की बात नहीं बनाएंगे, उसमें हम आनंद नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, तब तक हम वेद आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम सच्चे हिंदू ही नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए कृषि वेद का विषय नहीं है दोस्तों, गाते बजाते आनंद से आगे बढ़ने का है। पूरा वेदों में जोतने का समय है, नक्षत्र और काल निरीक्षण पर आधार पर जोताई के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा और कौन उसका निर्धारण भी उन्होंने किया है। जुताई में किस क्षेत्र की जोताई करना, उसका हाल कैसे होंगे, उसके अंग आदि का वर्णन है। इस प्रकार जोतने वाले बैल, उनका रंग, प्रकृति, कृषि कार्य करने वाले, वो सभी एक एक सूक्त है, एक एक मंत्र है। मैं एक बात बताऊं, लोग हमको कहते हैं कि भारत में जीव दया नहीं है, जीव दया जैसी बात नहीं है, तो वेद कहता है कि बैलों को जो दोरी आप लगाते हो उसको इस तरह से बांधे, इतना कसकर बांधे, इतनी ढीली रखे, इतनी तंग करे। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, कहीं पर यह जिक्र है कि बैलों को इतना दर्द नहीं होना चाहिए, दोरी ऐसी इतनी तंग मत बांधो, ये रस्सी इतनी ढीली रखो। इससे बड़ा जीव दया का क्षेत्र और क्या हो सकता है। बीज रोपण की बात है, मतलब उत्तम बीज संग्रह हेतु पराशर ऋषि गर्ग ऋषि का मत प्रकट करते हैं कि बीज को माघ महीने या फाल्गुन महीना में संग्रहित करके धूप में सुखाना चाहिए, बाद में उन बीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। अब आज का साइंस कहता है, समझ लो कि बीज के अंदर जो पैथोजन्स है उसको अगर दूर करना है तो इतना टेम्परेचर में उसको सुखाना चाहिए। आज कृषि वैज्ञानिकों को पूछ लेना इतना टेम्परेचर में इतना समय सुखाना चाहिए, वो तो हमारा वेद आपको आज्ञा देकर कह रहा है कि भाई ये धूप में सुखा लीजिए। तो पूरा वेद में हर एक सूक्त उठा लीजिए, हर एक मंत्र उठा लीजिए, वहां पर ऋषि मुनि ने बहुत ही हमारे लिए मेहनत करके लिखा, और वो मेहनत 1 साल की नहीं है, यूरिया जैसी नहीं है, 50 साल पहले डालो और वही सरकार अब कहती है यूरिया मत डालो। वेदों ने सालों साल तक, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरखों ने सालों साल तक मेहनत की है। पूरी सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वो सनातन सत्य, बिल्कुल सोने जैसा 100% सत्य निकालकर ये सब अपने अनुभव का निचोड़ उनमें रखा है। वर्षा मापन का है, कृषि पराशर में वर्षा को मापने का वर्णन भी मिलता है,
वर्षा का कैसे मापन किया जाएगा, कितना वर्षा हुआ है इस साल, इस बारिश का माप कितना है। और हम लोग कहते हैं रेन रेन की मापने की शोध अंग्रेजों ने की है, हम कहते हैं ऐसा। फिर वो सब चीजें हमारे वहां ऋषि मुनियों ने पूरे पैमाने के साथ वो माप सब उसमें लिखा है। और प्रकृति का उन्होंने इतना गहन अभ्यास किया, इतना सूक्ष्मतम अभ्यास किया था कि वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से इतने परिचित थे, वो गहरा अभ्यास के बाद उन्होंने भविष्य काल के बारे में कुछ कुछ मानक भी बना रखे। मानव कैसे होते हैं कि इस बार मेरे मेड़े पे इस पौधे में इतने फूल आएंगे तो आने वाली वर्षा इतनी होगी इतनी नहीं होगी, ये इस बार बेर में इतने बेर लगे हैं। हमारे पुराने पुरखे ऐसे कहते थे कि बेर में इतने बेर लगे हैं तो अकाल का वर्ष आएगा, और वो ज्यादा मोर देन 60% है, सनातन सत्य नहीं है पर 60% से ज्यादा उसमें सच्चाई नजर आ रही। और आज हमारी कृषि की साहित्य वो ले जा रहे हैं, उस पर अभ्यास कर रहे हैं और वो अपनी एक नई परंपरा बना रहे हैं। ये ऋग्वेद का कुछ श्लोक है, उसमें लिखा है कि कृषि करने से संपत्ति और मेगा मतलब बुद्धि प्राप्त होती है और कृषि मानव जीवन का आधार है। और मौर्य राजाओं के काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि और कृषि उत्पादन आते के बढ़ावा देने के लिए कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अब हम कहते हैं कि भाई खेती बाड़ी ऑफिसर अंग्रेजी सिस्टम मैकोले की है, नहीं है, हमारे वह कौटिल्य ने कृषि अधिकारी की नियुक्ति का और उसके उसके कार्य क्षेत्र में बहुत डिटेल से बताया कि कृषि अधिकारी का कार्य क्या है, उसको क्या करना है क्या नहीं। काफी सारी चीजें हमारे वेदों हमारे पुस्तकों में वैसी के वैसी लिखी है जो उन्होंने अडॉप्ट कर ली और उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। ये वराहमिहिर की बात कर रहा हूं मैं। मौसम में कितना पानी पौधों को देना चाहिए उसका उल्लेख करते हैं कि गर्मी में प्रतिरोपण किए गए पौधों को प्रतिदिन सुबह शाम पानी दिया जाएगा, शीत ऋतु में एक दिन छोड़ के पानी दो और वर्षा में जब जब मिट्टी सूखी हो तब ही पानी दिया जाएगा। पानी के बारे में इस प्रकार देखते प्राचीन भारत में सब चीजों का उल्लेख है।